हरे कृष्णा, मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। मैं कुछ प्रश्न आपके ले लेता हूँ और कुछ प्रश्नों के आपके उत्तर देता हूँ और आपके कमेंट्स रीड करता हूँ। कुछ प्रश्न उसमें बहुत अच्छे हैं, तो अगर आपके ही मन के अंदर कोई प्रश्न है तो मुझसे आप ज़रूर पूछिएगा। अगर मुझे उसके बारे में जानकारी हुई तो मैं आपको उत्तर ज़रूर दूंगा। प्रश्न पूछने के लिए यदि आप यूट्यूब पर प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मुझे समय मिलेगा तो मैं तुरंत ही आपको उत्तर दूंगा। तो मैंने कोई कमेंट यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया है, मैं रैंडमली इसको पढ़ता जाऊँगा। नितिका शर्मा जी ने यहाँ कहा है, सर मैंने एक दिन अचानक से आपकी वीडियो देखी पुनर्जन्म वाली। उस दिन से मैं रोज़ आपकी वीडियो देखती हूँ। इस काम को करे बिना मेरा दिन पूरा नहीं होता। आप जैसे चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं वो बहुत अलग है और असीम शांति प्रदान करता है। बहुत धन्यवाद आपका ज्ञान हमें बताने के लिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण आपको भी। यहाँ पे कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल तोड़ने वाले होते हैं, दिल को तोड़ देते हैं, और मैं समझता हूँ उनकी परेशानी में, बहुत अच्छे समझता हूँ। फिर भी आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे, तो मुझे ऐसे कमेंट्स को रीड करना, क्या बोलूँ मैं, कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं होते हैं। क्योंकि एक माँ के दर्द को बता पाना, एक्सप्लेन कर पाना, ये मेरे बस की बात नहीं है। ईश्वर भी माँ के दर्द को महसूस नहीं कर सकता। शीला जी ने यह मैसेज किया है, सर आई हैव एक्सपीरियंस्ड व्हाट एवर यू हैव सेड थ्रू माय सन हु टुक हिज लाइफ ऑन 30 अप्रैल 2019। ही यूज्ड टू कम इन माय ड्रीम्स एंड गिव मी मैसेजेस। आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस्ड ही केम इन माय ड्रीम एंड आई रियलाइज हिम एंड ही वाज सो हैप्पी टू गो। ही आल्सो टोल्ड मी, मम्मी मैं अकेला नहीं हूँ। आफ्टर दैट ड्रीम आई फेल्ट वेरी पीसफुल। इनके बेटे ने अपनी जान 30 अप्रैल 2019 को ली। मैं समझता हूँ कि जब एक जवान बेटा किसी का गुजरता है तो उस पर क्या बीतती होगी, अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है इसकी चीज़ के लिए। इन्होंने कहा कि वो मेरे सपने में आता है और मुझे मैसेजेस देता है। हम सभी के सपनों में हमारे प्रियजन आते हैं जो गुजर चुके हैं। हाँ, हमें कभी ध्यान होता है, कभी हमें ध्यान नहीं होता है। वो मुझे सपने में आता है और उसने ये कहा कि मैं जहाँ भी हूँ मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ और मैं अकेला नहीं हूँ। और जब मैंने उसकी बात सुनी तो मैं रिलीफ में हूँ, मुझे पीस है। चलिए, मैं आपके लिए बहुत बहुत खुश हूँ और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आप हमेशा शांत रहें और अपना जीवन चक्र पूरा करने के बाद में आप अपने बेटे से ज़रूर मिलें, और आपका बेटा जहाँ भी रहे वो आपका ऐसे ही मार्गदर्शन करता रहे। परमात्मा आपका भला करे। एक क्वेश्चन, आपके पास कुछ खास है क्या, आपसे मिलना हो सकता है? देखिए, मैं एक चिकित्सक हूँ और मेरे पास केवल बीमार रोगी ही आते हैं, तो अगर आप बीमार हैं तो आप मुझसे मिल सकते हैं। मेरे पास कुछ खास नहीं है, जो आपके पास हो, मेरे जो आपके पास है वो मेरे पास भी है और जो मेरे पास है वो आपके पास भी है। हाँ, बस ऐसा हो सकता है कुछ एक्सपीरियंस का अंतर हो सकता है, कुछ नॉलेज का अंतर हो सकता है, परंतु जो आपके पास है वो मेरे पास में ही है। हाँ, जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं वो चीज़ें अभी आपको नहीं दिख रही हैं। आप देख सकते हो उन चीज़ों को, ऐसा नहीं कि आप नहीं देख सकते हो, आप देख सकते हो, बस आपका नज़र उठाना बाकी है। जो भ्रम है वो तोड़ने आपके बाकी हैं, वो टूटने आपके बाकी हैं। जब धीमे धीमे भ्रम आपके टूट जाएंगे तो सच्चाई की तलाश में आप ज़रूर उठोगे और सच्चाई की तलाश में आपकी नज़रें ज़रूर उठेंगी। जीवन भी एक भ्रम है, और जितना जल्दी आपका भ्रम टूट जाए कि जीवन एक भ्रम है, जिस चीज़ को आप जीवन कहते हो वो एक भ्रम है, तब आप ढूंढोगे
कि फिर असल में जीवन क्या है, जब आपका जन्म हुआ और जब आपकी मृत्यु हुई, इसको आप जीवन कहते हो? ये केवल एक भ्रम है, ये जीवन नहीं है, आपसे झूठ कहा गया है, आप झूठ में ही जी रहे हो। और जब आपका ये भ्रम टूट जाएगा, तब आप सवाल करोगे ये जीवन नहीं है तो फिर जीवन क्या है, फिर आप उसकी तलाश में उठोगे, फिर आप उसको तलाश करोगे कि असल में जीवन क्या है। क्योंकि यदि वो जीवन है तो वो समाप्त नहीं होगा, यदि वो जीवन है तो उसका अंत रोते भी लगते हुए नहीं होगा, उसका अंत हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीवन का भला कैसा अंत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम सत्य सत मोबाइल नंबर दीजिए। देखिए, मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, बहुत टाइट शेड्यूल में रहता है, और यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, या फिर कुछ क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं तो मैं उसको रिप्लाई करूँगा। तो आप यहाँ पर भी आप मुझे मैसेज कीजिए, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करके वहाँ पर आप मैसेज कीजिए। यदि आपका प्रश्न का उत्तर देने लायक होगा तो मैं ज़रूर दूंगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि उन्हें प्रश्न ही नहीं पूछने आते। निर्मल ने यह मैसेज किया है, हाउ मैनी पीपल थिंक दिस वे। क्योंकि मैंने कहा था कि कोई हादसा नहीं होता है, और जन्म से पहले भी आप थे और मृत्यु के बाद भी आप रहोगे। जन्म से पहले आप क्या थे और मृत्यु के बाद में आप क्या हो जाओगे, उस चीज को जान लेना ही जीवन है, और वो ही असल में जीवन है। हाउ मैनी पीपल थिंक दिस वे, कितने लोग हैं जो इस तरह से सोचते हैं, बट हैप्पी टू नो दैट देर आर पीपल हु कंटेम्प्ट ऑन लाइफ एंड डेथ बियॉन्ड विजुअल रीजन एंड लॉजिकल माइंड। जो लॉजिकल माइंड से थोड़ा सा हटके सोचते हैं, लाइफ एंड डेथ के परे सोचते हैं। थैंक्स, इंटरेस्टिंग एंड एनलाइटनिंग। आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को वॉच करने के लिए, और इतना अच्छा फीडबैक, इतना अच्छा कमेंट देने के लिए। चलिए, एक कमेंट मैंने पढ़ा था और उनका कमेंट बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा था कि सूक्ष्म शरीर क्या आत्मा नहीं है? अगर सूक्ष्म शरीर आत्मा नहीं है तो फिर आत्मा क्या है? और आत्मा यदि सूक्ष्म शरीर नहीं है तो फिर सूक्ष्म शरीर क्या है? असल में सूक्ष्म शरीर और आत्मा क्या है? क्या दोनों एक ही हैं? क्या दोनों अलग अलग हैं? इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। चलिए, इसके बारे में आपको विस्तार से ज़रूर बताऊँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। केवल मैं टॉपिक उसी का ही रखूँगा कि सूक्ष्म शरीर क्या है और आत्मा क्या है। तो इससे अगली वीडियो मेरा वही टॉपिक का होगा, सूक्ष्म शरीर और आत्मा का। मैं कुछ अपने पास में कुछ सामान भी रखूँगा जिससे कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकूँ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। क्योंकि सूक्ष्म शरीर क्या है और आत्मा क्या है, इसके लिए कोई भी एग्जाम्पल परफेक्ट नहीं है। मैं दुनिया के कितने भी अच्छे से अच्छे आपको उदाहरण दे दूं, एग्जांपल दे दूं, कोई भी एग्जांपल परफेक्ट नहीं है, कोई भी एग्जांपल सही नहीं उतर सकता है। तो मुझे थोड़ा चीज़ों को दिखा के आपको बताना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से उस चीज़ को समझ सकें, या फिर आप समझना नहीं चाहते हैं तो खुद उसका आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। समझने से केवल आपका माइंड क्लियर होगा केवल, परंतु एक्सपीरियंस आपको खुद ही उस चीज़ का करना है। तो मैं चाहता हूँ कि जो एक्सपीरियंस मैंने किया है वो एक्सपीरियंस आप लोग भी करें, केवल मेरी बातों में ही ना आए, केवल आप ये ना समझें कि मुझे कितना ज्ञान है, केवल आप ये ना समझें कि मेरे ज्ञान की बातें कितनी अच्छी होती हैं, केवल आप ये ना समझें कि मेरी बात सुन के आपको कितनी शांति मिलती है, मेरी आवाज़ सुन के आपको कितनी शांति मिलती है। आप ये भी सोच सकते हैं कि मेरे अंदर जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी आपके अंदर भी तो हो सकती है। आप अपनी आवाज़ के अंदर ऐसी शांति लेके आ सकते हो जिससे कि लोग सुने तो उनके मन के अंदर शांति अनुभव हो। आप अपने शरीर के अंदर ऐसी शांति लेके आ सकते हैं
कि लोग आपके चेहरे को देखें तो उनको शांति अनुभव हो, ऐसा हो सकता है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने भीतर छुपी शांति को ढूंढ लेंगे। आप वो चीज ढूंढ लेंगे जो हमेशा शांत रहती है, जो कभी विचलित नहीं होती, जो हमेशा स्थिर होती है। तभी तो आपके अंदर स्थिरता आएगी, वरना आपका मन हमेशा चलायमान रहेगा, विचलित रहेगा। तो यहाँ दो तीन टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं जिनके ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए। जैसे पहला टॉपिक है सूक्ष्म शरीर के बारे में कि आत्मा और सूक्ष्म शरीर। दूसरा टॉपिक हमारा यहाँ है कि जीवन एक भ्रम है, जिसको आप जीवन समझते हो असल में वो जीवन नहीं है। जीवन यदि वो है तो फिर इसका अंत कैसा। तो जो भी आपके प्रश्न हैं मुझे आप ज़रूर आप पूछें, इंस्टाग्राम पर भी पूछें और यहाँ भी आप पूछें। प्लीज टेल अस अबाउट थर्ड आइज। बिल्कुल, मैं जरूर बताऊंगा आपको। श्वास लेने की कला भी आप लोगों को आनी चाहिए कि श्वास किस तरह से लेना है। श्वास की कला से आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हैं, अपने बोलने के तरीके को चेंज कर सकते हैं और अपनी बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं। साथ में आप आध्यात्मिक चीज़ों का भी अनुभव कर सकते हैं। तो श्वास लेने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगा कि श्वास किस तरह से लेना है। क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ तो बेस मेरा साइंटिफिक ही रहेगा हर चीज़ को बताने के लिए, ताकि आप साइंटिफिक वे में उसको तोल सकें। परमात्मा सभी का भला करें।